हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे रेक्स कफ डीएक्स कफ सिरप के बारे में। इस सिरप के फ़ायदे, इसके नुकसान और इसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है, कितने दिन तक इस्तेमाल किया जाता है, इन सभी बातों को भी इस वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। लेकिन उससे पहले दवाइयों की जानकारी पाने के लिए अपना डॉक्टर राज को कीजिए सब्सक्राइब, साथ में घंटी वाले निशान को दबाना ना भूलेगा। दोस्तों, रेक्स कफ डीएक्स सिरप आता है सिप्ला कंपनी का, और इसमें जो सॉल्ट है डेक्समेथोरफेन हाइड्रोब्रोमाइड एंड क्लोरोफेनरामाइन मिलेट कफ सिरप। तो चलिए इसके पहले एमआरपी देख लेते हैं। इसका एमआरपी है 101 रुपये 100 ml की पैकिंग का। दोस्तों, ये एक जेनरिक दवाई है, तो आपको थोड़ा कम रेट में भी मिल सकती है। तो चलिए अब बात करते हैं इसकी यूजेस की, ये किस काम में आता है। दोस्तों, रेक्स कफ डीएक्स सिरप का इस्तेमाल सूखी खांसी को ठीक करने के लिए किया जाता है, जैसे कि एलर्जी वाली खांसी और सर्दी जुखाम बुखार साथ में होता है, कई लोगों को काली खांसी के लिए भी उपयोग किया जाता है, और बहती नाक हो उसमें भी इस सिरप को दिया जाता है। और जो लोग नशा वगैरह करते हैं, जैसे कि बीड़ी तंबाकू सिगरेट वगैरह पीते हों, उनको जो खांसी होती है उसको ठीक करने के लिए भी इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। एलर्जी से होने वाली खांसी में क्या होता है कि गले में खराश हो जाती है और साथ में फ्लू जैसे लक्षण होते हैं और नाक भी बहती है, तो उस कंडीशन में भी इस सिरप को जो है इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इस सिरप को अकेला नहीं दिया जाता है, इसके साथ एंटीबायोटिक वगैरह टैबलेट वगैरह भी दी जाती हैं, और अगर ज़्यादा खांसी हो तो साथ में इंजेक्शन वगैरह भी लगाया जाता है। और दोस्तों, इस सिरप का जो है रिजल्ट बहुत बढ़िया है, और यानी कि ये हर प्रकार की खांसी को ठीक करती है वैसे तो, लेकिन स्पेशली ये ड्राई कफ के लिए बनाई गई है, और एंटी एलर्जिक जो कफ होता है उसके लिए भी इसको बनाया गया है, और एंटी टिश्यूज के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इसकी डोज की, इसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, बड़ों को अगर देना है तो ये 5 ml देना है, इस ढक्कन में लिखा होता है, बल्कि ये देखिए 5 ml लिखा हुआ है, तो आपने इसे 5 ml देना है, 4 टाइम देना है, सुबह दोपहर और दोपहर से पहले या फिर बीच में एक बार, चार टाइम देना है दिन में। और अगर बच्चों को देना है जो 6 साल से बड़े हैं, तो उनको 2.5 ml देना है 4 टाइम, और जो 6 साल से छोटे हैं यानी कि 2 से 6 साल तक के बच्चे हैं उनको 1.25 ml देना है 4 बार, यानी 4 बार ये सिरप देना है, जिससे कि खांसी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगी। इस सिरप को लगातार दिया जाता है 1 हफ्ते तक तक, जिससे कि जो अंदर इन्फेक्शन होती है वो बिल्कुल सही हो जाती है। और जब भी दोस्तों इसका इस्तेमाल करें, डॉक्टर की सलाह के बिना ना करें, क्योंकि इसके भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जैसे कि सिर दर्द होना, नींद ना आना, खुजली होना पूरे शरीर में, उल्टी, चक्कर, घबराहट, मतली, ये सब इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो दोस्तों, इसे आप अपनी मर्जी से इस्तेमाल मत कीजिएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।